आठ साल हो गए गाइस, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है ऐसा लगता है गाइस। सब कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। कभी कभी गाइस याद ही आ जाता है हॉस्टल का वो दिन, कॉलेज का वो दिन, तो बहुत ज़्यादा मतलब मिस करने लगता हूँ। तो इस वीडियो में गाइस मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ मेरा कॉलेज लाइफ कैसा था, मेरा कॉलेज लाइफ का तीन साल कैसा था, हॉस्टल में कैसा रहा 2014 से 2017 तक। अगर आप कॉलेज में स्टडी करते हो या फिर आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो गाइस आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आप सबको गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो बेसिकली गाइस मैं आप सबको ये बता दूँ, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट 2014 से 2017 तक का गाइस मैंने पढ़ाई किया, वो भी उड़ीसा में। तो वहाँ पे गाइस तीन साल बहुत ही ज़्यादा मतलब यादगार और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा। और गाइस मेरा ये कहना है कभी कभी गाइस याद आ जाता है सारा फ्रेंड्स और सबके साथ एक साथ में टाइम बिताना, साथ में खाना खाना, साथ में पढ़ाई करना, फिर एग्ज़ाम्स, एनुअल फंक्शंस, हॉस्टल में फंक्शंस, डांस, बहुत सारा जो भी गाइस एक्टिविटीज होते हैं कॉलेज में हॉस्टल में। तो हम लोग के टाइम में गाइस ऐसे भी बहुत ज़्यादा, आज से 7-8 साल पहले की बात बोल रहा हूँ गाइस। अगर आप गाइस इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या कॉलेज में भी पढ़ाई करते हो तो गाइस अभी आप अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा होगा या फिर अच्छा भी लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन गाइस जब आप पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके बाद गाइस बहुत ज़्यादा एक अलग ही मतलब दिल में रह जाता है कॉलेज का यादें, हॉस्टल की यादें, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हो तो गाइस वहाँ का भी एक अलग मेमोरी माइंड में रह जाता है पूरे लाइफ के लिए। और कितना साल तक आप पढ़ाई किए, 2 साल 3 साल, तो वो सारा चीज़ गाइस आपको माइंड में रहता है। और कभी कभी गाइस इतना ज़्यादा याद आता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल गाइस पता ही नहीं चल रहा है कैसे 7-8 साल बीत गए, सब इधर उधर हो गए, सब अपने काम को लेकर के, सब गाइस पता नहीं अपने अपने काम पे बिजी हो गए। पहले गाइस बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट भी होता था, वो लोग से बात भी होता था फ्रेंड्स वगैरह से, लेकिन गाइस अभी जितना टाइम हो रहा है सब अपने काम पर बिजी हो चुके हैं। तो गाइस अभी ज़रूरी नहीं जो लोग इंजीनियरिंग के हैं वो लोग मतलब कहीं पर जॉब ही कर रहे हैं, वो लोग अलग अलग फील्ड में जा चुके हैं, किसी को टीचिंग के लिए कुछ मिला और कोई गाइस ऐसे अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, तो कोई जो है जॉब कर रहा है। तो फिलहाल गाइस आप सबको पता होगा मैं फिलहाल यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मेरे जितने सारे फ्रेंड्स हैं कुछ जो है जॉब कर रहे हैं, कुछ कुछ बिजनेस कर रहे हैं। हर एक दिन एक मेमोरी था गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा एक मेमोरी होता है गाइस। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है क्योंकि सारे फ्रेंड्स जो है सारे आपके बैच जो है उस ईयर के आपके साथ होते हैं, ठीक है। सबके अलग अलग टैलेंट होते हैं अंदर, अलग अलग एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, तो हर दिन जो है गाइस कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़ गाइस। उससे भी आप सीख सकते हो जो आपको नहीं आता है, हो सकता है आपकी फ्रेंड को आए, तो गाइस ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो टाइम जो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और उस टाइम में आप जो भी चाहो गाइस सीख सकते हो। जैसे कि गाइस आप सबको पता है मुझे फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो फोटोग्राफी से रिलेटेड मैंने एक चैनल भी था, फोटोग्राफी गाइस तब से मुझे पसंद है जब से मैं कॉलेज ज्वाइन किया था। मेरा एक फ्रेंड्स जो है DSLR में फोटो वोटो शूट करता था, मेरा एक फ्रेंड्स नहीं, मेरे रूम में तीन मेरे फ्रेंड्स थे, तीन रूममेट थे, ठीक है। तो सब जो है DSLR में फोटो वोटो शूट करते थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था गाइस। तो उसके बाद मैं देखा कि नहीं इतना ज़्यादा अच्छा फोटो शूट हो रहा है, तो मैं फिर खुद का करना चालू किया। उसके बाद एडिटिंग में भी थोड़ा सा दिल आया, तो वहाँ से मैं एडिटिंग भी सीखा, फ्रेंड्स भी सिखाए, फिर मैं भी खुद से मेहनत करके सीखा। तो गाइस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप जो चाहो वो टाइम में सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड्स उस टाइम में आपको मिलते हैं हर जगह से। तो गाइस मैं मेरे हॉस्टल लाइफ का और कॉलेज लाइफ का कुछ फ़ोटोज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस आप लोग कुछ फ़ोटोज़ देखो, मैं आप सबको दिखाता हूँ, आई होप आप सबको अच्छा लगेगा।
तो गाइस देखा आपने कितने ज़्यादा मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे बैच में बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा लड़के थे, मेरे सारे फ्रेंड्स ही हैं। तो गाइस अभी सब जो है इधर उधर जा चुके हैं, मतलब सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और हाँ गाइस सबसे मज़े की बात यह है, एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, 2014 का पहला साल जिस साल मैंने गाइस कॉलेज ज्वाइन किया था, जब हॉस्टल पर रहा था, ठीक है। तो उस साल गाइस मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, और गाइस वो वैसा बर्थडे शायद आज तक का किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया, तो काफ़ी ऐसा बर्थडे था गाइस। मैं आप सबको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, पूरा हॉस्टल जो गाइस पानी से भिगा दिया था, ठीक है। मतलब ऐसा है पूरा रात, मतलब आधा रात तक ही ऐसा चल रहा था, इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं सब, केक वेक कटिंग हुआ थोड़ा सा। पूरा गाइस हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पूरा जो है गाइस मतलब पानी से भिगो दिए थे पूरा, मेरे फ्रेंड्स लोग ऐसा कर रहे थे उस दिन। बाकी गाइस रूम में तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते थे, पढ़ाई तो करते थे लेकिन पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करते थे। होली का टाइम जो गाइस आपने फोटो दिखाया हुआ, काफ़ी ज़्यादा सबका हालत आप देख सकते हो। और अगर कुछ ओकेशन होता है, कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ भी गाइस, तो वहाँ पे हॉस्टल में भी डीजे मंगाया जाता था, वहाँ पे सब डांस वांस भी करते थे, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा यादगार और अच्छा रहता था। सीनियर जूनियर सब मिलके और साथ मिलके खाना खाना जो मतलब कैंटीन पे हम लोग खाते हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस कॉलेज टाइम उस टाइम मतलब इतना ज़्यादा हम लोग फोटो शूट के पीछे पागल थे, मतलब गाइस क्या ही बोलूँ, फोटो शूट करने के लिए मोबाइल तो छोड़ ही दो गाइस, कभी कभी मोबाइल से फोटो शूट करते थे, इतना ज़्यादा फोटो शूट कर रहे थे, मतलब कीड़ा चढ़ गया था सब, ठीक है। फोटो शूट तो कर रहे थे गाइस, अच्छा अच्छा कैमरा DSLR भी कहीं से मतलब लाते थे, लाने के बाद गाइस कॉलेज के अंदर एक छोटा सा पार्क टाइप का कुछ है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग जाते थे संडे के दिन, तो वहाँ जाकर भी फोटो शूट करते थे, सामने भी करते थे, और भी बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक हम लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा गया गाइस। 2014 से 2017 बहुत ज़्यादा यादगार पल है। तो गाइस इस वीडियो में मैं अपने कॉलेज लाइफ का कुछ मेमोरीज आप सबके साथ शेयर किया हूँ, एंड आई होप गाइस आप सबको अच्छा लगा होगा। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, चैनल को गाइस जल्द से सब्सक्राइब कर लो। सो गाइस मिलता हूँ आप सबसे ऐसी किसी और भी इंटरेस्टिंग और कमाल की ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय एंड लव यू ऑल।